हेलो एवरीवन, लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की अपडेट को लेके। तो जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं और बहुत सारे साथियों का ये कमेंट भी आ रहे थे कि सर, जो बिहार में स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ है तो उसमें कितने कैंडिडेट ने आवेदन किया था, तो टोटल कैंडिडेट कितने थे और कितनों ने पेपर दिया है, तो ये सब जानने की कोशिश कर रहे थे और लगातार कमेंट कर रहे थे। और साथ ही साथ कि बी एस टेट का जो फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आएगा, तो आज हम आपके सामने इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं जो कि है कि बिहार स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में कुल कितने कैंडिडेट ने आवेदन किया था। और साथ ही साथ फिर इसी मुद्दे पे भी बात करेंगे कि फाइनल रिजल्ट आने के चांसेस कब तक हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और हम एक के बाद एक सभी मुद्दों पे बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें सभी, और साथ में सभी अपने उन साथियों के साथ भी शेयर कर दें जो भी स्पेशल एजुकेशन की फील्ड से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं ऑफिशियल जो न्यूज आई है डिपार्टमेंट की तरफ से। तो उसको जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये एक आरटीआई का रिप्लाई देते हुए शिक्षा विभाग पटना के द्वारा दिया गया है ये रिप्लाई, और ये रिप्लाई दिया गया है 24/2/2024 को। तो इसमें बताया गया कि सूचना का जो अधिकार अधिनियम है 2005 के तहत सूचना उपलब्ध करवाने के संबंध में एक आरटीआई लगाई गई थी। तो इन्होंने लिखा कि महाशय उपयोग विषयांक आपका ऑनलाइन आवेदन संख्या, तो ये ऑनलाइन जो आरटीआई लगाई गई थी जो कि दिनांक 2 फरवरी 2024 को लगाई गई थी, और इन्होंने बोला कि इसके द्वारा बिहार स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 परीक्षा का आयोजन एवं कुल आवेदित अभ्यर्थियों की संख्या की मांग की गई थी। तो उस समय तक, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 2 फरवरी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी बिहार स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेट को लेके, तो ये आरटीआई उसी संबंध में लगाई गई थी कि टेट कब तक होगा और इसमें कुल कितने अभ्यर्थियों ने मांग की, जो आवेदन की है। तो इन दोनों ही जो डाउट्स की मांग की गई थी, और इन्होंने उसका रिप्लाई किया है कि उक्त के आलोक में सूचित किया करना है कि बिहार स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 परीक्षा का आयोजन दिनांक 23 फरवरी 2024 और 24 फरवरी 2024 को एवं कुल आवेदित अभ्यर्थियों की संख्या 26,417 है। तो आप देख सकते हो कि ये, जबकि 24 तारीख को ही इन्होंने आरटीआई का रिप्लाई किया है और उसमें इन्होंने डेट आ गई थी उससे पहले ही, तो वो डेट भी मेंशन की हुई है, और साथ में इन्होंने बताया कि टोटल कितने कैंडिडेट ने आवेदन किया था। आप देख सकते हो 26,417 कैंडिडेट हैं जिन्होंने बिहार में बिहार स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेट के लिए आवेदन किया था। तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं कि कितना बड़ा नंबर है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में जो कैंडिडेट हैं उन्होंने बिहार स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेट के लिए आवेदन किए हैं। इसमें अब देखना ये है कि ये सभी कैंडिडेट स्पेशल एजुकेशन की फील्ड से संबंधित है या इसमें जनरल एजुकेशन वाले भी शामिल हैं, क्योंकि अगर आप देखते हो कि स्पेशल एजुकेशन वाले इतने कैंडिडेट नहीं हैं अभी, और अगर ये सभी कैंडिडेट स्पेशल एजुकेशन की इनके पास डिग्री या डिप्लोमा है, तो ये आने वाले समय में एक चिंता का विषय ज़रूर है कि लगातार इतने कैंडिडेट की संख्या बढ़ रही है कि आने वाले समय में आपको वैकेंसी बहुत कम देखने को मिलेगी और कैंडिडेट लगातार बढ़ रहे हैं। तो इसलिए आप सभी अपनी तैयारी पे लगे रहिए और अपनी तैयारी को दुरुस्त करते रहिए, क्योंकि अभी वैकेंसीज आ रही हैं और अभी फिर भी कम कैंडिडेट हैं, क्योंकि मुझे लग रहा कहीं ना कहीं ये नंबर इसीलिए इतना बड़ा हुआ है कि इसमें जनरल एजुकेशन वालों ने भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए थे। बाकी मेन रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कि कितने कैंडिडेट जनरल वाले हैं और कितने स्पेशल वाले हैं और आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है। पर आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर आवेदन कितने हुए हैं, आवेदन कितने हुए हैं, तो उसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है ताकि आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन दे सकें और आप सभी तक ये सूचना पहुंचा सकें कि इसमें जो टोटल आवेदन हुए थे वो 26,417 हुए थे, और अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं
कि बहुत बड़ी संख्या में आवेदन गए हैं, इसलिए जो आपका रिजल्ट है वो भी थोड़ा टाइम लेके आएगा, क्योंकि इतने 26,000 अगर 417 कैंडिडेट को देखें, और जो हम परीक्षा केंद्र में हमने जो अभ्यर्थी पहुँचे थे अगर उनका रेशियो देखें तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे कि जिन्होंने परीक्षा दी है, तकरीबन सभी कैंडिडेट प्रजेंट थे वहाँ पे, बहुत कम कैंडिडेट ऐसे हैं जो अब्सेंट रहे हैं इस परीक्षा में। तो बहुत अच्छे खासे नंबर में कैंडिडेट्स ने परीक्षा दी है, और उनकी सबकी आंसर शीट चेक करना तो उसमें अभी टाइम लगेगा और रिजल्ट थोड़ा टाइम लेके आएगा, क्योंकि अभी साथ की साथ ये दूसरी वैकेंसीज के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो इसलिए आप 15 मार्च तक सोच सकते हैं कि आपका रिजल्ट आ सकता है, और 15 मार्च के आसपास आपको बिहार स्पेशल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का रिजल्ट ज़रूर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ही पता चलेगी कि आगे की प्रक्रिया क्या रहने वाली है, और रिजल्ट के बाद ही ये नेक्स्ट प्रोसेस बताएंगे कि जो नेक्स्ट या आपके आवेदन कब से लिए जाएंगे दूसरे पेपर के लिए, या दूसरा पेपर होगा या नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं अभी। और हमने एक और आरटीआई लगाई है, तो जैसे ही उसका रिप्लाई आ जाता है तो उसमें ये सभी चीज़ें हमने पूछी हुई हैं कि दूसरा पेपर होगा या नहीं होगा, और क्या क्या ये क्राइटेरिया रखेंगे उस दूसरे पेपर के लिए भी। तो जैसे ही उसका रिप्लाई आ जाएगा तो आप सभी तक वो भी सूचना ज़रूर पहुंचाई जाएगी। और आपने देखा होगा कि लगातार हम आप सभी के लिए काम कर रहे हैं, और कोशिश करते हैं कि आप सभी तक जितना जल्दी हो सके कि सबसे पहले हम सूचना पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आपसे भी यही उम्मीद रखता हूं कि आप भी हमें सपोर्ट करेंगे और हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे। तो जितने भी आपके नॉन हैं, जो भी स्पेशल एजुकेशन के फील्ड से रिलेटेड हैं, तो आप उन सभी के साथ हमारा चैनल ज़रूर शेयर कीजिएगा, साथ में वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और वीडियो को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका सपोर्ट रहेगा तो उतना ही ज़्यादा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन मिलेगा तो हम और भी ज़्यादा मन लगा के काम करेंगे आप सभी के लिए। और हमने एक रणनीति भी बनाई है जिसके तहत हम अगर सेकंड पेपर हुआ तो उसकी तैयारी करवाने की सोच रहे हैं। तो अगर आप सभी साथियों का साथ रहेगा और सभी का सपोर्ट रहेगा तो हम बहुत जल्द उन चीज़ों पे काम करने वाले हैं। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। और आप काफ़ी सारे ऐसे भी हैं साथी जो मतलब वीडियो में नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि पहले एक बार चीज़ों को देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि हमने जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है, कभी भी कोई भी इन्फॉर्मेशन दी है फैक्चुअल चीज़ों की दी है, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमने कुछ भी आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन दे दी है। और आप देखते हो विद इन टाइम पीरियड कि कुछ समय बाद ही आपको वो ऑफिशियल न्यूज़ भी उसकी मिल जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें और सामने वाले को भी मोटिवेट करते रहें। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई सूचना अच्छी लगी होगी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।